हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित चावला और आप लोग देख रहे हैं हैक एंड चेक। आज के इस एपिसोड में हम लोग चेक टेक टॉक में बात करने वाले हैं रेजर फ़ोन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। रेजर कंपनी गेमिंग कंपनी है। ये फ़ोन भी उसने मेनली गेमिंग के लिए प्लस मूवीज़ देखने के लिए बनाए हैं और इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको दी गई है। इसमें हाई एंड परफॉर्मेंस मिलेगा जिसमें फ़ोन हैंग नहीं होगा, मीन्स परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा फ़ोन का। अब हम बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर के बारे में। ये इसमें आपको फुल्ली एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाएगी और इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। इसमें जो स्पीकर्स रहेंगे वो फ्रंट में रहेंगे ताकि आपको वॉल्यूम बहुत ही अच्छा जाए। जैसा मैंने बताया, ये मेनली गेमिंग या मूवीज़ देखने के लिए है, तो उससे स्पीकर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसमें आपको वॉल्यूम बटन्स रहेंगे और साइड में रहेंगे जिसमें जिसके कारण कोई प्रॉब्लम ना आ सके गेमिंग खेलते हुए। और इसमें LCD डिस्प्ले मिल जाएगा जैसा कि रेजर ब्लेड लैपटॉप में था। आइए अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। इसमें आपको फ़ोन जो है बहुत ही स्मूथ मिलेगा, ब्राइट मिलेगा और फास्ट मिलेगा। इसकी स्क्रीन जो है अल्ट्रा मोशन टेक्नोलॉजी से यूज़ की गई है, मीन्स स्क्रीन एकदम स्टनिंग है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेशमेंट रेट मिल जाएगा, मींस इसमें जो गेमिंग है वो एकदम जल्दी रिफ्रेश होगी और ज़ीरो लैग में चलेगा, लाइक अ बैटरी या फ्लूइड के समान चलेगा स्मूथ मोशन में। इसमें आपको HD डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि शार्प और वाइब्रेंट रहेगा। इसमें ट्रू टू लाइफ सिनेमेटिक ऑडियो मिल जाएगा आपको जो कि ड्यूल एम्पलीफायर रहेगा। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड मिल जाएगा जो कि मेनली गेमिंग या वॉचिंग मूवीज़ के लिए यूज़ होता है। आपने सुना देखा होगा जब आप सिनेमा में जाते हैं तो जो साउंड गूंजता है, तो उस प्रकार का आपको साउंड मिलेगा। और ये सर्टिफाइड बाय THX गारंटी से है और इसमें ऑडिफाइल क्वालिटी मिल जाएगी आपको एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज डिज़ाइन मिल जाएगा जिसके कारण आप गेम खेल सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। और इसमें गेम बूस्टर भी दिया हुआ है आपको। इसमें आपको जो लेस थ्रोटिंग मिलेगी थर्मल डिज़ाइन के साथ, जो प्रोड्यूस करेगी आपके फ़ोन के पावर को मिनिमाइज़ करने में यूज़ करेगी। इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर मिल जाएगा जो और 4000 mAh की लार्ज बैटरी मिल जाएगी जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसमें आपको 8GB का रैम मिल जाएगा क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया था ये मेनली गेमिंग के लिए है और मूवीज़ के देखने लिए है। इंटरनल स्टोरेज में 64GB है। एकदम जीरो लैग टाइप का फ़ोन चलेगा। इसमें आपको कैमरा मिलेगा जो कि ग्रुप शॉट भी लेगा और जब आप वीडियो निकालेंगे तो जूम होगा और जूम बैक भी होगा। इसमें आपको जो एकदम स्मूथ चलेगा वीडियो, ट्रांजिशन बहुत ही अच्छे मिलेंगे जो कि f1.7 वाइड एंगल लेंस के कारण मिलेंगे जो कि ट्वाइस एक्स करता है टैली फोटो को और फ्रेम करता है एक परफेक्ट शॉट। इसमें आपको ड्यूल लेंस मिल जाएगा और फ्लैश भी ड्यूल मिल जाएगा। फ़ोटो एकदम नेचुरल कलर समान निकलेगी, एकदम बैलेंस फ़ोटो आएगी। और इसमें आपको 12 MP ड्यूल कैमरा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट सेक्शन के बारे में। इसमें आपको 7.0 वर्जन मिलेगा जो कि नोकट है और इसमें ओरियो अभी तक नहीं आया है। ये फ़ोन एकदम जैसे नोकिया एंगेज है, सोनी एक्सपीरिया प्ले है, उसी टाइप का है। और ये 2018 तक इंडिया में आ जाएगा जो कि जिसका इसका रेंज रहेगा 70,000 और ये फ़ोन फ्लैगशिप फ़ोन माना जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स।